एक्वास्केपिंग में और प्लांटेड एक्वेरियम बनाने में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन अगर कोई है ना तो वो है मेरा रेड प्लांट्स रेड क्यों नहीं। या रेड प्लांट्स को ज्यादा रेड कैसे बनाए। ठीक है, या मैंने दुकान से रेड प्लांट खरीद के आया और मेरे इसमें ग्रीन दिख रहा है। ये शायद सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन होगा और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि रेड प्लांट्स रेड क्यों है। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बहुत सिंपल है, समझाता हूं, देखते रहना। आप मेरे को बताओ आपका रेड कलर का प्लांट फेवरेट वाला कौन सा है, आपका सबसे फेवरेट रेड कलर का प्लांट कौन सा है, कमेंट्स में आप मेरे को बताओ। प्लांट्स में कलर क्यों है, ग्रीन या रेड, ये बात पहले समझना। कलर का जरूरत क्या है, ग्रीन क्लोरोफिल है तो ग्रीन रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो रेड होने का जरूरत क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट। तो कुदरती प्लांट्स रेड क्यों होते हैं? इसके एक तीन चार बेसिक रीजंस है जो कुदरती है, मैं बना नहीं रहा। फर्स्ट, कलर जो है ना, रेड ब्लू पर्पल, ये एक पिगमेंटेशन है प्लांट के अंदर, वो पिगमेंट डेवलप होता है, एंथोसाइनेंस बोलते हैं उसे, टेक्निकल नहीं जाएंगे, सिंपल रखेंगे। ये पिगमेंटेशन प्लांट में इसलिए आता है बिकॉज प्लांट का जो मेन रीजन है ना, या प्लांट क्यों, कोई भी प्रकृति में कोई भी स्पीशीज का जानवर, कोई भी प्रजाति का जानवर, उनका क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिप्रोडक्शन, प्लांट में भी। प्लांट में फ्लावर आता है, उसका पोलन्स, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा या डिस्पर्स नहीं होगा तो वो उसका स्पीशीज मर जाएगा ना। कलर्स यूजुअली पॉलिनेशन के लिए, ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो और वो पोलन्स लेके जाए, बट एक्वाटिक प्लांट्स में, ठीक है, जब पानी के अंदर है तो पॉलिनेशन कैसे, कुछ प्लांट्स में फ्लावर आता है अंदर लेकिन कुछ प्लांट्स में ऊपर आता है, और ज्यादातर पानी के बहाव में पॉलिनेशन हो जाता है। अभी क्या है, ये जो रेड कलर जो प्लांट डेवलप कर रहा है अपने अंदर से, ठीक है, इज ऑल्सो बिकॉज प्लांट बढ़ते 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 पानी के सरफेस आते आते सूरज की किरणें ज्यादा हो जाता है, रेडिएशन लेवल ज्यादा हो जाता है, तो ये प्लांट्स जब रेड बनते हैं तो उनमें कैपेसिटी ये है कि सूरज की रेडिएशन लेके उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें, सूरज की रेडिएशन के वजह से या तपती धूप के वजह से जल न जाए, दैट्स व्हाई दे बिकम रेड। ओके, सो यूजुअली रेड कलर लाइट को, लाइट के पास जाते हुए ज्यादा रेड होता है,
तो इसलिए बोलते हैं रेड प्लांट्स के लिए हाई इंटेंसिटी लाइट चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि ग्रीन प्लांट्स में ये नहीं होता है, अगर धीरे 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 वो लाइट के पास बढ़ते गए तो उनका कलर थोड़ा रेडिश ब्राउनिश होने लगता है। जैसे सिंपल प्लांट बिना डिफीडा ग्रीन रेडिश रेड, लाइट के जितना पास है उतना रेड कलर ज्यादा, इज बिकॉज प्लांट्स हैव दैट इन देम, वो रेड कलर हो जाते हैं सो दैट दे कैन सेव देमसेल्व्स, अपने आप को सूरज की रेडिएशन से बचा सके। अगर प्लांट अच्छा रेड हो रहा है तो एक और सिम्टम कि आपके टैंक में नाइट्रेट कम, अगर टैंक में नाइट्रेट्स कम है तो प्लांट्स रेड ज्यादा होंगे। और अगर टैंक में नाइट्रेट ज्यादा है या फॉस्फेट ज्यादा है, ग्रीन कलर ज्यादा है। तो ये हो गया कि प्लांट्स या एक्वाटिक प्लांट्स रेड क्यों है। अभी देखो वो रेड को बरकरार रखने के लिए क्या चाहिए या रेड को ज्यादा रेड रखने के लिए क्या चाहिए। पहली बात लाइट, दूसरा लो नाइट्रेट लो फॉस्फेट, तीसरा हाई न्यूट्रिशन सॉइल, फर्टिलाइजेशन में आयरन एक्स्ट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन की मात्रा और सही मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें हैं तो आपके जो रेड प्लांट्स हैं वो ज्यादा और ज्यादा रेड और ज्यादा सुंदर। रेड प्लांट्स मार्केट में अवेलेबल क्या है, एल्टेनेंथ्रा रेनिकी मिली, लुडविगा सुपर रेड, लुडविगा ग्लैंडुलोसा, रोटाला हेचारी, रोटाला इंडिका और भी कुछ कुछ है जो अच्छा रेट आता है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी उतना इजीली ना हो, बट ये वेराइटीज इजीली अवेलेबल है। स्पेशली देखो रोटाला में रोटाला हेचारे है, रोटाला मकरांड्रा रेड भी है, उसमें मकरांड्रा में लीफ ब्रॉड और रोटाला में लीफ पतला स्टार शेप पॉइंटेड। तो इसमें क्या होता है, तो ब्यूटी टैंक का जो अलग अलग आपको जो लगता है जो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आप वो प्लांट यूज कर सकते, सब में रिक्वायरमेंट सिमिलर। अगेन गुड लाइट, good quantity of iron fertilization or low nitrate and phosphate, good quality soil, okay, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक सीक्रेट बात बताता हूं, आयरन जब आप यूज करते हो अगर आपका पीएच 6.5 के आसपास एसिडिक नहीं है तो वो आयरन प्लांट ले नहीं सकते। अगर वो आयरन जो आप ऐड करते हो प्लांट लेगा नहीं तो एल्गे बढ़ेगा, बिकॉज वो आयरन है टैंक में लेकिन कोई उसको यूज नहीं कर रहा है तो एल्गे इंक्रीज होगा। तो सब लोग ये सोचते कि सर हम आयरन डालते हैं लेकिन आपका पानी का पीएच अलग होगा तो वो अब्सॉर्ब होगा ही, ये हमेशा याद रखना।
ठीक है। तो रेड प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर है, और हमारे टैंक्स रेड प्लांट की वजह से ज्यादा सुंदर लगते हैं, ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, मजेदार। क्या मजा आता, चलो ठीक है। तो एज ऑलवेज थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, एंड शाबाश है।